हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए है। तो दोस्तों, आपका हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए हुए थे कि हमारी सोसाइटी की कोई न्यूज़ क्यों नहीं देते। दोस्तों, जब सोसाइटी की न्यूज़ आती है तो जब भी हम देते हैं दोस्तों, आज हमारे पास आपके लिए सोसाइटी की न्यूज़ आई है। सहारा सोसाइटी को चुकाना होगा 7 लाख रुपए। दोस्तों, पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा मामला क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी खबर। छतरपुर सहारा सोसाइटी के मामले में आवेदिका को 6,94,800 रुपये 30 दिनों के अंदर अदा करने और उक्त राशि पर अदायगी दिनांक 7% ब्याज सहित 4,000 रुपये सेवा में कमी और परिवाद व्यय देने का आदेश पारित किया है। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्री राम दिनकर संजय, सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य नीता गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। एडवोकेट वरिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी नीलम मिश्रा पत्नी श्यामू मिश्रा निवासी सट्टई रोड छतरपुर के द्वारा प्रबंधक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पन्ना नाका कार्यालय सट्टई रोड से 30 अप्रैल 2012 को सहारा ई साइन योजना में 21 खातों के माध्यम से 15,000 रुपये कुल 3 लाख रुपये जमा किए थे, जिसका 85 माह में 30 अप्रैल 2019 को 7,06,380 रुपये मिलने थे, लेकिन सहारा सोसाइटी के द्वारा समय से के अंदर राशि प्रदान नहीं की गई और 23 मई 2019 को अपने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस दिलाया गया, लेकिन राशि का भुगतान सहारा सोसाइटी के द्वारा नहीं किया गया। परिवादी ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले में फोरम के अध्यक्ष श्री राम दिनकर, सदस्य निशा गुप्ता और संजय शर्मा ने अवलोकन कर सहारा सोसाइटी की ओर से सेवा में कमी पाई गई, जिस पर सहारा सोसाइटी सहारा इंडिया कार्यालय छतरपुर के खिलाफ आदेश पारित करते हुए 30 दिवस के अंदर परिवादी को 6,94,800 रुपये अदा करे। साथ ही उक्त राशि पर परिवादी प्रस्तुति 17 जून 2019 से अदायगी दिनांक 7% वार्षिक दर के साधारण ब्याज अदा करके उसके साथ ही 3,000 रुपये सेवा कमी के रूप में वह 2,000 रुपये परिवादी व्यय की अदाई करने का आदेश पारित किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त सोसाइटियों का पैसा जो निवेशकों का फंसा हुआ है, वो सोसाइटियाँ हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। ऐसे निवेशकों को भी इस वक्त सहारा सुब्रत राय और उनके मैनेजर वगैरह वगैरह ये परेशान करने पर लगे हुए हैं और निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और निवेशक इस वक्त सहारा उपभोक्ता का फॉर्म सॉरी दोस्तों इस वक्त जो सहारा ले रहे हैं उपभोक्ता फॉर्म का सहारा ले रहे हैं और ऐसे ही निवेशकों में इस वक्त बहुत आक्रोश और परेशानियाँ का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त पैसे देने के मैटर पर सहारा शून्य बना हुआ है और निवेशकों में इस बात को लेकर, अपने पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानियां उनके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। खबर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।